नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। मोदी राज में उनके नेता नए नए तरीके लेकर आते हैं। अब भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए गंगा जल और गौमूत्र लेकर आए हैं। बीजेपी में शामिल हो और गौमूत्र पियो और शुद्ध हो जाइए। दरअसल राजस्थान के जयपुर से ऐसी ही एक खबर आई है। यहाँ कांग्रेस के 8 पार्षद बीजेपी में शामिल हुए। उन पर लगे कथित भ्रष्टाचार के दाग धोने के लिए पार्टी ने एक अनोखा तरीका अपनाया। उन पर गंगा जल और गौमूत्र के मिश्रण का छिड़काव किया गया। साथ ही उन्होंने प्रतीकात्मक रूप से गंगा जल और गौमूत्र के मिश्रण को पिया भी, क्योंकि उसे उनके होठों सहित चेहरों पर छिड़का गया था। द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार पार्टी के हवा महल विधायक बालमुकुंद आचार्य ने परिसर में पार्षदों पर गंगा जल और गौमूत्र का मिश्रण छिड़का। इसके बाद विधायक बालमुकुंद आचार्य ने कहा कि हमने इसे गंगा जल से शुद्ध किया है और सभी अशुद्धियों को दूर किया है। वैदिक मंत्रों के साथ पूजा अर्चना के बाद बहन जी यानी नए मेयर ने इस नवमी तिथि पर कार्यभार संभाल लिया है। द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार कांग्रेस पार्षदों द्वारा भाजपा को समर्थन दिए जाने पर उन्होंने कहा, उनको गंगा जल पिलाया है, सब गंगा जल गौमूत्र पी चुके हैं और वैदिक मंत्रों का उच्चारण उनके कानों में जा चुका है। अब वो पूर्णतः सनातनी हो चुके हैं और सनातनियों के रूप में वो शहर को सुंदर बनाने के लिए हमारे साथ हैं। यूपी के हाथरस में प्राइवेट स्कूल के दूसरी क्लास के एक छात्र की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत की खबर आई। घटना 23 सितंबर की है। पुलिस ने बताया कि इस मामले में स्कूल प्रबंधक सहित 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। छात्र के परिवार वालों का आरोप है कि काला जादू के कारण छात्र की हत्या की गई है। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने कहा है, ये जघन्य अपराध लापरवाही का नतीजा है और माफी के काबिल नहीं है। उन्होंने कहा कि दिल्ली से राष्ट्रीय बाल आयोग की एक टीम जाएगी जो राज्य बाल आयोग अध्यक्ष के नेतृत्व में इस घटना की जांच करेगी और हमें इसकी एक रिपोर्ट सौंपेगी। उत्तर प्रदेश के हाथरस में अंधविश्वास के चलते एक प्राइवेट स्कूल के 11 साल के बच्चे की हत्या कर दी गई। पुलिस के मुताबिक आरोपियों को लगता था कि बच्चे की बलि देने से स्कूल की समृद्धि होगी। अब मामले से जुड़े एक और पीड़ित बच्चे का बयान सामने आया है। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के अनुसार बताया गया है कि कुछ दिन पहले इसी स्कूल में ऐसी कुछ एक और घटना हुई थी। इसमें 8 साल के बच्चे को मारने की कोशिश की गई थी, लेकिन बच्चा किसी तरह बच निकला था। अब उसने बताया है कि उसका गला घोटा गया था, नाक दबाई गई थी। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक ये घटना 6 सितंबर को हुई थी। लड़के के परिवार के पास स्कूल से फोन आया था। कथित तौर पर कहा गया कि बच्चे के पेट में दर्द हो रहा है। आज तक संवाददाता हिमांशु मिश्रा की रिपोर्ट के मुताबिक स्कूल के फोन के बाद पीड़ित बच्चे के दादा सुरेंद्र और यूपी पुलिस से सेवानिवृत्त सब इंस्पेक्टर वहां पहुंचे। दादा सुरेंद्र ने बताया, मैंने उसकी गर्दन पर निशान देखे और उसकी आंखें लाल थी। पीड़ित बच्चे ने खुलासा किया कि स्कूल के मैनेजर के पिता भगत ने उसकी नाक और का गला दबाकर उसका दम घोटने की कोशिश की थी। रिपोर्ट के मुताबिक बच्चे ने बताया, जब वो मेरा गला घोट रहे थे तब वहां अफरा तफरी मच गई, शोर होने लगा। शोर ने वहां के लोगों का ध्यान खींचा, लोग भागकर अंदर आए और मैं किसी तरह भागने में कामयाब हो पाया। पंजाब बीजेपी अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने कथित तौर पर 15 अक्टूबर को होने वाले पंचायत चुनाव से पहले इस्तीफा दे दिया है। हालांकि इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है। भाजपा इस्तीफे का खंडन कर रही है। जाखड़ खुद कॉल का जवाब नहीं दे रहे हैं। उनके निजी सहायक संजीव त्रिखा ने द इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि जाखड़ इन दिनों कम सक्रिय हैं। भाजपा आलाकमान के सूत्रों ने पुष्टि की कि जाखड़ ने राज्य पार्टी अध्यक्ष के रूप में काम करने की अनिच्छा व्यक्त करते हुए कहा है कि वो राज्य में स्वतंत्र रूप से काम करने से असमर्थ हैं। हिमाचल में रेडी पटरी की दुकानों पर नाम या पहचान उजागर करने के मुद्दे पर राज्य सरकार में मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने सफाई दी। उन्होंने मीडिया को कहा कि ये आज का मुद्दा नहीं है, बल्कि ये 2013 से चल रहा है। तब सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्देश दिया था कि नगर पालिका में टाउन वेंडिंग कमेटी बननी चाहिए। 2016 में हिमाचल प्रदेश में इस पर कानून को बनाया गया, जिसमें सरकार ने टाउन वेंडिंग कमेटी को बनाने का फैसला किया था, मगर यह काफी समय तक लागू नहीं हो पाया था। उनके मुताबिक साल 2023 में हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने एक जनहित याचिका के जरिए हिमाचल सरकार को यह निर्देश दिया था कि तत्काल प्रभाव से टाउन एंड वेंडिंग कमेटी को बनाया जाए, ताकि जितने प्रदेश के अंदर रेडी पटरी लगाने वाले हैं उनको बैठने के लिए एक अधिकृत स्थान मिल सके। हमने इस विषय को आगे ले जाने का काम किया है।
तो उन्होंने कहा कि साफ सफाई से जुड़े मुद्दों को सुलझाने के लिए इस पहचान की प्रक्रिया को लागू कर रहे हैं, जो कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के निर्देशों के अनुसार है। दो दिन पहले जब विक्रमादित्य सिंह ने उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की तर्ज पर प्रदेश में रेडी पटरी वाली दुकान पर नेम प्लेट लगाना अनिवार्य किए जाने का ऐलान किया था, तो प्रदेश सरकार ने एक आदेश जारी कर रोक लगा दी थी। बता दें, बीते कुछ दिनों से विक्रमादित्य सिंह प्रदेश की कांग्रेस सरकार को असहज करने वाले बयान दे रहे हैं। इसी सप्ताह की शुरुआत में उन्होंने वक्फ बोर्ड के बिल के समर्थन में एक पोस्ट लिखा था। इसी साल हुए लोकसभा चुनाव से ठीक पहले मार्च, जब राज्यसभा चुनाव के लिए क्रॉस वोटिंग से सियासी तूफान उठा, तो उसमें भी विक्रमादित्य और उनकी मां प्रतिभा सिंह के बगावती तेवर दिखे थे। उनकी हरकतों से लग रहा है कि वो राहुल गांधी को धोखा दे सकते हैं। दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की विधानसभा को शुक्रवार को संबोधित किया। उन्होंने जांच एजेंसियों के दुरुपयोग का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि क्या बीजेपी को शर्म आती है। अजित पवार का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जिस व्यक्ति पर घोटाले का आरोप लगाते हैं, उसे ही राज्य का डिप्टी सीएम बना देते हैं। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि ऐसे 25 नगीने पीएम मोदी के नगीने हैं। केजरीवाल ने कहा कि मैंने 4-5 दिन पहले मोहन भागवत को चिट्ठी लिखी थी। उस चिट्ठी में उनसे 5 मुद्दों पर बात की थी। इसमें से एक मुद्दा ये भी था कि जिस तरह से पीएम मोदी इस देश के सबसे भ्रष्ट नेताओं को ईडी और सीबीआई से डराकर या पैसों का लालच देकर दूसरी पार्टी से तोड़ तोड़ कर अपनी पार्टी में शामिल कर रहे हैं, क्या वो यानी मोहन भागवत इससे सहमत हैं? दिल्ली नगर निगम यानी एमसीडी की स्टैंडिंग कमेटी की अंतिम खाली सीट के लिए शुक्रवार को वोटिंग हुई। भाजपा कैंडिडेट सुंदर सिंह को पार्टी के पार्षदों के सभी 115 वोट मिले, जबकि आपकी निर्मला कुमारी को कोई वोट नहीं मिला। दरअसल कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने इस चुनाव में हिस्सा नहीं लिया था। बता दें, हंगामे के बाद दिल्ली के मेयर शैली ओब्राय ने ये इलेक्शन 5 अक्टूबर को कराने का आदेश दिया, लेकिन एलजी सक्सेना ने इसका फैसला पलट दिया। केजरीवाल ने स्टैंडिंग कमेटी चुनाव के मुद्दे पर कहा कि एमसीडी के कानून में साफ साफ लिखा हुआ है कि सदन की सिटिंग बुलाने का अधिकार केवल मेयर को है। सदन की सिटिंग एलजी या कमिश्नर नहीं बुला सकते। कल को लोकसभा की अध्यक्षता होम सेक्रेटरी से करवा देंगे। बता दें, इस जीत के साथ दिल्ली नगर निगम की 18 सदस्यीय स्थायी समिति में भाजपा के 10 मेंबर्स हो गए हैं, जबकि आपके केवल 8 मेंबर हैं। कर्नाटक में पिछले 2 महीने से छाए मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण यानी मूडा घोटाले में मुख्यमंत्री सिद्धरमैया की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। लोकायुक्त पुलिस ने इस मामले में मुख्यमंत्री सिद्धरमैया और अन्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। कर्नाटक के एक स्पेशल कोर्ट ने लोकायुक्त टीम को जांच का जिम्मा सौंपा है। दरअसल कर्नाटक गवर्नर थावरचंद गहलोत ने 16 अगस्त को इस घोटाले में सिद्धरमैया के खिलाफ जांच के आदेश दिए थे। सिद्धरमैया इसके खिलाफ हाई कोर्ट गए, लेकिन 24 सितंबर को अदालत ने भी कहा कि जांच का आदेश सही है, ये होना चाहिए। गृह मंत्री अमित शाह ने हरियाणा में एक बड़ा ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा कि अगर हरियाणा चुनाव में बीजेपी की सरकार बनती है, तो पीएम किसान की राशि को 6,000 से बढ़ाकर 10,000 कर दिया जाएगा। इसी तरह आयुष्मान भारत स्कीम को लेकर कहा गया है कि बीमा को 5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख किया जाएगा। बुजुर्गों को तो 5 लाख अतिरिक्त और देंगे। हरियाणा में अगर कांग्रेस की सरकार आई तो मुख्यमंत्री कौन होगा? इस सवाल पर पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि अंतिम फैसला कांग्रेस हाईकमान लेगा और फैसला जो भी होगा मुझे स्वीकार होगा। ये बात उन्होंने पीटीआई के साथ एक विशेष इंटरव्यू में के दौरान कही। जब उनसे पूछा गया कि क्या आपके बेटे सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा हरियाणा सीएम पद की दौड़ में है, तो उन्होंने जवाब दिया कि अभी मैं ना तो थका हूं और ना ही रिटायर्ड हूं। पूर्व सीएम ने कहा कि हरियाणा में कांग्रेस एकजुट है, सीएम पद के लिए कई दावेदार होने से पार्टी को और मजबूती मिलेगी। राजस्थान के डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा के बेटे का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में डिप्टी सीएम का बेटा आशु बैरवा टशन में खुले हुड की जीप दौड़ाता हुआ दिख रहा है। जीप के आगे पीछे पुलिस एस्कॉर्ट करती नजर आ रही है। आशु बैरवा के साथ 3 अन्य युवक भी मौजूद हैं। हालांकि मौज मस्ती और रील बाजी के नेताओं के इन बेटों को पुलिस एस्कॉर्ट किस वजह से मिला, ये बात समझ से परे है। वहीं डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा के पास परिवहन विभाग का चार्ज भी है, लेकिन उनके ही बेटे हाथ छोड़कर गाड़ी चलाकर ट्रैफिक नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। जब इस रौलेबाजी का वीडियो वायरल हुआ और लोग डिप्टी सीएम को सुनाने लगे, तो डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा बोले हैं। उन्होंने कहा कि मेरा बच्चा भी बच्चा है, अभी स्कूल में पढ़ता है, अभी तो 18 साल का भी नहीं हुआ है, वो तो उसके दोस्तों के साथ था। इसके साथ ही वो पीएम को भी बीच में ले आए और उन्होंने कहा कि पीएम को धन्यवाद देना चाहता हूं कि मुझे डिप्टी सीएम बनाया। अगर कोई अमीर आदमी ने मेरे बेटे को बड़ी गाड़ी में बैठाया, तो कम से कम मेरे बेटे ने कोई अच्छी गाड़ी तो देखी। मैं तो धन्यवाद देता हूं कि मेरे बच्चे को भी लोग पूछने लगे हैं, जब उनसे कहा गया कि वो यातायात की धज्जियां उड़ा रहे हैं।
तो उन्होंने कहा कि पुलिस की सिक्योरिटी के लिए पुलिस की गाड़ी पीछे चल रही थी, मैं अपने बच्चे को दोष नहीं देता हूँ। वहीं डिप्टी सीएम अपनी सफाई के बाद भी गिर गए हैं। एक यूजर पलक बिश्नोई ने कहा कि बीजेपी की सरकार ने कुछ समय पहले कानून पास किया था कि नाबालिग बच्चे को गाड़ी चलाने के लिए दी तो पेरेंट्स पर जुर्माना होगा। उस कानून का क्या हुआ, क्योंकि प्रेमचंद बैरवा के मुताबिक उनका बच्चा भी 18 साल का नहीं हुआ है। एक अन्य यूजर ने कहा कि खुलेआम यातायात के नियमों की धज्जियां उड़ा रहा डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा का लड़का अभी तक नाबालिग है, ये बात खुद डिप्टी सीएम कह रहे हैं। इस तरह सरकारी गाड़ी का दुरुपयोग कर एस्कॉर्ट करवा रहे हैं। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल में साल 2024-25 के लिए 24 डिपार्टमेंटल पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी का गुरुवार देर रात गठन किया गया। हर समिति में राज्यसभा और लोकसभा दोनों के सदस्य शामिल हैं। कांग्रेस को 4 प्रमुख पैनलों की अध्यक्षता दी गई है, इसमें विदेश, शिक्षा, कृषि, ग्रामीण मामलों की समिति शामिल है। राहुल गांधी को रक्षा मामलों की समिति का सदस्य बनाया गया है। डिपार्टमेंटल पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी में बीजेपी 11 समितियों की अध्यक्षता करेगी। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे को संचार और आईटी समिति की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसके अलावा अपने बयानों से किसानों को निशाना बनाने वाली भाजपा सांसद कंगना रनौत को भी इस समिति का सदस्य बनाया गया है। इसके बाद लोग कह रहे हैं कि कंगना को किसानों के खिलाफ बोलने का इनाम मिला है। हर डिपार्टमेंटल पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी में 31 मेंबर होते हैं, जिसमें से 21 लोकसभा से और 10 राज्यसभा से चुने जाते हैं। इन सभी कमेटियों का कार्यकाल 1 साल से ज्यादा नहीं होता है। संसद की स्थायी समितियों में फाइनेंस पर प्रमुख पैनल के अध्यक्ष भाजपा के भर्तृहरि महताब होंगे और विदेश मामलों के पैनल के अध्यक्ष कांग्रेस के शशि थरूर होंगे। इसके अलावा भाजपा के प्रमुख सहयोगी जैसे टीडीपी और जेडीयू के अलावा महाराष्ट्र में उसके सहयोगी दल शिवसेना और एनसीपी एक एक समिति का नेतृत्व करेंगे। एनसीपी के एकमात्र लोकसभा सांसद सुनील तटकरे पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस पर समिति का नेतृत्व करेंगे और शिवसेना के श्रीरंग अप्पा बारने ऊर्जा पर समिति का नेतृत्व करेंगे। जेडीयू के संजय झा परिवहन, पर्यटन और संस्कृति समिति की अध्यक्षता करेंगे, जबकि टीडीपी के मंगुंटा श्रीनिवासुलु रेड्डी आवास और शहरी मामलों की समिति की अध्यक्षता करेंगे। वहीं कांग्रेस सांसद चरणजीत सिंह चन्नी और सप्तगिरी उलाका को कृषि, एनिमल हस्बेंड्री और फूड प्रोसेसिंग और ग्रामीण विकास और पंचायती राज का चेयरपर्सन क्रमशः बनाया गया है। ईरानी सेना के अधिकारी यानी IRGC के मुख्य कमांडर मेजर जनरल हुसैन सलामी का कहना है कि फिलिस्तीन के लोग जल्द ही एक अद्भुत जीत हासिल करेंगे। सलामी ने कहा कि गजा के अद्भुत लोगों ने दिखाया है कि विश्वास की शक्ति पर भरोसा करके दुश्मन को अलग थलग किया जा सकता है और अपनी गरिमा खोज के दुश्मन के सामने विश्वास कभी विफल नहीं होगा। इसके साथ ही लेबनान के हमलों की ओर इशारा करते हुए सलामी ने कहा कि बहादुर और मजबूत लेबनानी हिजबुल्ला दुश्मन से लड़ रहा है। उन्होंने कहा कि हिजबुल्ला हर दिन गौरव हासिल करता है और इस बार इसराइल के साथ पिछले युद्धों की तरह अंतिम जीत हासिल करेगा और दुश्मनों की योजनाओं में एक और निराशा जोड़ देगा। इसराइल ने गुरुवार को दक्षिणी लेबनान पर एयर स्ट्राइक की। इस एयर स्ट्राइक में हिजबुल्ला की ड्रोन यूनिट के कमांडर मोहम्मद सरूर की मौत हो गई है। इजरायली अधिकारियों ने सरूर की मौत की पुष्टि की है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने इजरायली सेना को पूरी ताकत के साथ हिजबुल्ला पर हमला करने को कहा है। हालांकि अमेरिका सहित इजराइल के दूसरे करीबी देशों ने युद्ध विराम का आग्रह किया है। वहीं लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि गुरुवार को हुए इजरायली हवाई हमले में कम से कम 92 लोगों की जान गई है। अंसारुल्लाह नेता अब्दुल मलिक अल हुती का कहना है कि यमनी ग्रुप इजराइल के हमलों के खिलाफ लेबनान और हिजबुल्ला का समर्थन करने में संकोच नहीं करेगा। इस बीच इजरायली मीडिया का कहना है कि यमनी बलों ने कब्जे वाले क्षेत्रों पर बैलिस्टिक मिसाइल हमला किया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक हमले के चलते गुरुवार रात तेल अबीब के पास कई इलाकों में सायरन बज उठे। इजरायली सेना ने दावा किया कि उसने यमन से दागी गई एक मिसाइल को रोक दिया। फुमियो किशिदा के बाद जापान के अगले प्रधानमंत्री के नाम पर मोहर लग गई है। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक देश के पूर्व रक्षा मंत्री शिगेरू इशिबा देश के नए प्रधानमंत्री होंगे। शुक्रवार को जापान की सत्ताधारी लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी और देश का नेतृत्व करने के लिए शिगेरू इशिबा को चुना गया। अब तक की सुर्खियों में इतना ही, बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्य हिंदी.com के साथ।